हवाला तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय नाइजीरियन 3 ठग गिरफ्तार। ऑनलाइन करते थे करोड़ों की ठगी, लोगों को लालच देकर धोखाधड़ी से उनके बैंक खातों की डिटेल करते थे हासिल। पुलिस ने इनके पास से 10 लाख रुपए, 48 एटीएम कार्ड और एक कार बरामद की। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वैश्विक महामारी से परेशान है, लेकिन ऐसे समय में भी नाइजीरियन ठग भारतीय लोगों से ऑनलाइन ठगी करने में लगे हुए हैं। पुलिस ने ऐसे ही 3 अंतर्राष्ट्रीय नाइजीरियन ठगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 लाख रुपए नकद और 48 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। मेज पर अलग अलग ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखे लाखों रुपए और पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग, ये नजारा है बरेली पुलिस लाइन का, जहां पुलिस ने आज अंतर्राष्ट्रीय नाइजीरियन ठगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी शैलेश पांड्या ने बताया कि एएसपी अभिषेक वर्मा और ट्रेनी एएसपी अभिन्यु मांगलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम को यह बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल ये लोग हवाला के जरिए करोड़ों रुपए नाइजीरिया तक पहुंचाते हैं। एसएसपी ने बताया कि ये लोग गरीब लोगों को लालच देकर उनका खाता खुलवाते हैं और उनके एटीएम और चेक बुक अपने पास रख लेते हैं। फिर नाइजीरिया में बैठे ठग दूसरे लोगों के बैंक खातों से रुपए उन खातों में ट्रांसफर करते थे। ठगी का करते समय भारत के अलग अलग जिलों में तैनात इस अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सदस्य एटीएम के पास खड़े रहते हैं और रुपए खाते से ट्रांसफर होते ही ये लोग एटीएम या चेक से फौरन रुपए निकाल लेते हैं। जब तक लोगों को ठगी का एहसास होता है वो शिकायत करता है, उतने समय के बीच में ये ठग अकाउंट खाली कर देते हैं। पुलिस ने बिथरी चैनपुर के उड़ला जागीर गांव निवासी रियासत खा बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के संग्रामपुर निवासी इमरान और फरीदपुर के मोहल्ला मिर्धान निवासी दिलशाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10,03,800 रुपए बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, ठगों के पास से 48 अलग अलग बैंकों के डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। एक दिल्ली नंबर की जाइलो कार भी बरामद की है, जबकि नाइजीरियन व्यक्ति सैम और पीलीभीत निवासी मोहम्मद उमर की पुलिस को तलाश है। एएसपी सीओ बारादरी अभिषेक वर्मा और एएसपी अंडरटेनी अभिमन्यु मांगलिक और इनकी टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले जो अकाउंट में फ्रॉड करते हैं वैसे एक गैंग को पकड़ा है, जिसके 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक थाना बीथरी चैनपुर क्षेत्र का, एक जनपद बदायूं का और एक थाना फरीदपुर क्षेत्र का है। साथ ही साथ इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इस मोडस ऑपरेंडी पे काम करने वाले और इनके साथ जुड़े हुए और भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें नाइजीरियन ग्रुप का भी नाम सामने आया, उसमें एक सदस्य के नाम भी मिले हैं और भी हमारे पास लिंकेजेस मिली है जिस पे काम चल रहा है। ये मूलतः लोगों को फ़ोन करके फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू तथा अन्य मोडस ऑपरेंडी के थ्रू लोगों से लोगों के अकाउंट हैक करके अपने अकाउंट में ये पैसे मंगाते थे। जो अकाउंट ये क्रिएट कराते थे वो आम नागरिकों के, मुख्यतः गरीबों को ये तरह तरह के झांसे देके उनसे अकाउंट खुलवाते थे, उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खुलाते थे और उसमें जिस व्यक्ति से ठगी करते थे उनके पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको तुरंत निकाल लेते थे, जिससे कि अकाउंट ब्लॉक होने के पहले ये सारी की सारी रकम जो ठगी के थ्रू ट्रांसफ़र की होती थी उसको निकाल लेते थे। मुखबिर से इस चीज़ की सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इस पर हमारे दोनों अधिकारियों ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में इसमें काम किया और 10 लाख से ज़्यादा की कैश की बरामदगी, 48 डेबिट कार्ड, गाड़ी, 6 मोबाइल फ़ोन कुल इनसे बरामद किए गए हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इनसे मिली हैं जिस पे पुलिस टीम काम कर रही है। इस तरह ये अत्यंत ही सराहनीय कार्य पुलिस टीम ने किया है और इस तरह का एक बड़ा गैंग वर्कआउट किया है और अच्छी रिकवरी इन्होंने की है। कितने लोगों को अब तक शिकार बनाया गया है? साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि नाइजीरियाई मूल के कुछ लोग जो हैं वो मुख्य आरोपी के तौर पर इस पूरे मामले में शुमार रहे हैं, तो पुलिस उन तक पहुंचने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रही है? देखिए, मैं अभी भी बताया था कि पिछले 2-2.5 साल से ये लोग काम कर रहे थे और इन्हें भी अब इसका अंदाजा नहीं है कि कितने लोगों को इन्होंने अपने ठगी का शिकार बनाया है। जो एक रफ आइडिया है कि 100 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने ठगी का शिकार बनाया है। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि इनसे जो हमें टिप मिली है उसमें कुछ नाइजीरियाई भी इन्वॉल्व हैं, हमारी पुलिस टीम उस पर काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे।
नहीं, मैंने बताया, पुनः मैं बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया कि इसमें कई सारे क्लूज हमें मिले हैं। ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जिसमें लोकल लोगों के साथ साथ अन्य स्टेट के लोग और बाहर के नेशनल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, इस पर सुनियोजित तरीके से पुलिस टीम काम कर रही है और आगे भी काम करेगी, और लोगों की गिरफ्तारी और बरामदगी हम कराने का प्रयास करेंगे। सर, इसलिए तो जानना चाहेंगे कि बारादरी थाना इलाके में एक बच्चे पर